गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अदिति एंड यू आर वॉचिंग दी अदिति। सो गाइज आज मैं आपको लेके आई हूँ राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में, जो कि ओपन हुआ है सिविलियंस के लिए फ्रॉम 2 फरवरी टू 31 मार्च 2024। इसी अमृत उद्यान को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था एंड इसमें आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, हर्बल गार्डन एंड काफ़ी कुछ। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो फटाफट से हम अंदर चलते हैं। तो गाइस अमृत उद्यान के लिए सबसे ज़्यादा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन, और आपको यहाँ पे एग्ज़िट लेना है इसके गेट नंबर 4 से। जैसे ही आप यहाँ पे एग्ज़िट लेंगे, इस तरह से सामने ही आपको काफ़ी सारे ऑटोज़ मिल जाएंगे और ये ऑटोज़ आपको 20 रुपीज़ में छोड़ देंगे राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 पे। आप चाहें तो इस तरह से ये शटल सर्विसेज भी ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से डायरेक्ट। मैं जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे ये थी नहीं, इसलिए मैं ऑटो से आ गई। अब टिकट बुक करने के भी 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली वो जो हट सामने बने उसमें जाके कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप जा सकते हैं गेट नंबर 35 से अंदर। अंदर जाते ही आपको ये मिल जाएगा विजिटर्स मैप, जिसकी आप फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख सकते हैं चाहे तो। यहाँ से सबसे पहले हमें मिला ये ट्यूलिप गार्डन, जो कि पिक्चर्स में जितना बड़ा, रील्स में जितना ब्यूटीफुल लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था। आगे जाके हमें मिली बाल वाटिका, जिसमें बच्चों का छोटा सा प्ले एरिया बना था। उसके बाद हमें मिला ये बॉन्जाई गार्डन, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड यहाँ पे काफ़ी वाइड वेराइटी थी बॉन्जाइज़ की। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैं अकेले गई थी, तो मेरे पास कोई था नहीं पिक्चर्स क्लिक करने। तो यहाँ पे मैंने देखी काफ़ी सारे टाइप के बॉन्जाइज एंड इसमें नेम प्लेट भी लगी हुई थी कि ये इसका क्या नाम है। इसके आगे जाके आपको मिलेगा म्यूज़िकल गार्डन। तो ये म्यूज़िकल गार्डन में वाटर एंड साउंड शो चल रहा था, जिसके अंदर क्लासिकल म्यूज़िक बज रहा था। ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इस म्यूज़िकल गार्डन से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमें एकदम नियरेस्ट व्यू मिलेगा राष्ट्रपति भवन का एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड यहाँ का जो गार्डन था ये काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन था एंड यहाँ पे काफ़ी वाइड वैरायटी थी फ्लावर्स की, प्लांट्स की, फाउंटेन्स की, एंड ये बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। तो अभी तक तो मैंने इसे सिर्फ पिक्चर्स में देखा था, इतने पास से मैं पहली बार राष्ट्रपति भवन को देख रही थी। इससे आगे बढ़ने के बाद हमें मिला ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी रंगोली, जो एकदम कारपेट शेप में बनाई हुई थी एंड ये ऐसा लग रहा था कि सच्ची में कारपेट हो, इतनी ज़्यादा सफाई से इसे बनाया गया था। थोड़े और आगे चल के हमें मिला ये कैक्टस पॉट, जिसमें काफ़ी सारे टाइप्स के कैक्टसेस लगे हुए थे एंड ये वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पूरा वॉक पाथ था, जिसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करा गया था। इस तरह से काफ़ी सारे हैंगिंग फ्लावर्स के साथ साइड में भी काफ़ी सारे हैंगिंग फ्लावर्स थे एंड ये रास्ता हमें लेके जा रहा था कैफेटेरिया की तरफ। तो कैफेटेरिया में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के फूड थे। मुझे ज़्यादा कुछ भूख थी नहीं, तो मैंने ये सिर्फ एक आइसक्रीम ले ली अपने लिए और इसको खाते हुए हम निकल गए म्यूज़ियम की तरफ। तो इसके अंदर जो म्यूज़ियम था उसकी 50 रुपीज़ कॉस्ट थी। इसकी टिकट मैंने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। सबसे पहले हमें देखिए ये प्रणव मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी एंड हम चले गए राष्ट्रपति म्यूज़ियम की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा मिग 21। इसका ओरिजिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ हुआ था यदि आपको पता है तो। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में बना हुआ था INS विक्रांत का मिनिएचर। तो अगर आपको नहीं पता है तो INS विक्रांत एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि 262.5 मीटर लॉन्ग एंड 61.6 मीटर वाइड है, जिसको कमीशन किया था हमारे PM नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को। देन हम चले गए म्यूज़ियम के अंदर। तो म्यूज़ियम के भी 2 गेट है, एक गेट से आपको सिक्योरिटी चेक कराना होता है, देन आप दोनों तरफ एक्सेस कर सकते हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। स्पेशली यदि आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इस म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी अच्छे से इंजॉय करोगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखी ये मर्सिडीज बेंज जिसने सर्व किया है 5 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को। देन यहाँ पे वेरियस मोमेंट्स को इस तरह से स्टैचू के फॉर्म में बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल, महात्मा गांधी विद मोहम्मद अली जिन्ना बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सम ऑफ आवर लीडर्स, एंड ये था डांडी मार्च। इसके बाद हमने देखा जलियावाला बाग मैसेकर, जिसमें 1000 इंडियंस की मौत हो गई थी, इंक्लूसिव ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रंस। उसके बाद यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक सीन भी बना था, जिसमें इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट कर दिया था एंड उन्हें बर्न कर दिया था। ये था गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें गांधी जी की कोई भी डिमांड्स को इरविन ने माना नहीं था। इसके बाद भगत सिंह को फांसी हो गई थी। ये थी मीटिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड इसी म्यूजियम के अंदर हमारे प्रेसिडेंट्स को मिले हुए गिफ्ट्स को भी काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप एंड तक आ ही गए हैं तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।